हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फॉलोआउट गेमिंग में। और आज हम सीखेंगे कि कैसे फ़ोन की डिस्प्ले को मिरर करें अपने पीसी या फिर डेस्क लैपटॉप में, और उसके बाद कैसे हम उसे ऐड करें स्ट्रीम लैब ओबीएस में। गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बहुत सारी वीडियोज आपने यूट्यूब पर देखी होंगी कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, दुनिया भर की चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने देखी है। कुछ लोगों ने सही भी बनाई हैं, कुछ लोगों ने गलत बनाई हैं, कुछ लोगों ने सही बनाई भी हैं तो आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, और कुछ लोगों ने तो जीआईटी हब के कोड को भी अपना कोड बोल के ये कहा है कि मैंने इसे डेवलप किया। बट एनीवे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मिररिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली गाइज, चलते हैं हम उस वेबसाइट की तरफ जहाँ से आपको सोर्स कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली उस वेबसाइट का नाम है github.com। ये लिंक मैं दे दूंगा और यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है। ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, लगभग वर्जन 1.16 है। और ये देखिए रिक्वायरमेंट जो है क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। लिनक्स पे अवेलेबल है अगर आप यूज़ करते हैं, विंडोज़ पे अवेलेबल है 64 बिट वर्जन, और मैक के लिए भी अवेलेबल है, तो जो लोग मैक यूज़र हैं वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो चलता हूँ डेस्कटॉप पे जहाँ पे मैंने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर रखा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये scrpy ये है जिसको रन करना होता है। तो गाइज, ये अभी आपका रन नहीं करेगा, लेकिन मेरा रन करेगा, तो मैं इसको डेमो देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है कि इसको रन करने से पहले मैं इसको रन कर लूँ ताकि आपको मोबाइल स्क्रीन मेरी इस पर शेयर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने पबजी गेम लगा रखा है, वो यहाँ पे शेयर हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे आपको बताना कि करना क्या है उस सेटअप को रन करने से पहले। आपको जाना है सिंपली सेटिंग में, आप मेरे लेफ्ट साइड में जो ये दिख रहा है देख सकते हैं। सेटिंग में जाके आपको, अगर आपका डेवलपर मोड इनेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आपको इनेबल करना है। और इनेबल कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं। अबाउट फोन में जाना है और यहाँ पे वर्जन लिखा आ रहा है मेरे में, आप लोगों में देखिए टॉप राइट, यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने दबा के रखा हुआ है टॉप राइट में, आप लोगों के फ़ोन में कहीं और भी आ सकता है, वहाँ पे जाना है वर्जन, या फिर हो सकता है बिल्ड का ऑप्शन बाहर भी दिख रहा हो। तो ये बिल्ड नंबर जो है ना, इस पर टैप 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 6 या 7 टाइम करो, 6 टाइम में ऐसा हो जाता है। या फिर आपके फ़ोन में जब तक ना हो डेवलपर मोड इनेबल तब तक क्लिक करना है। तो मेरा देखिए पहले ही द ऑपरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज यू आर ऑलरेडी इन डेवलपर मोड, तो मेरा इनेबल है तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से बैक कर दूँगा क्योंकि मेरा इनेबल है। जब आपका डेवलपर मोड इनेबल हो जाए तो आपको डेवलपर मोड में जाना है, और देखिए कुछ इस तरह से जाके, मैं तो सीधा सर्च करता हूँ क्योंकि मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ यार यहाँ पे कहाँ है DEV। और जैसे ही मैं डेवलपर टाइप करता हूँ तो यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ और नीचे देखिए यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन लिखा आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा डेवलपर ऑप्शन पर, और यहाँ पर USB डीबगिंग का ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। देखिए ये देखिए USB डिबगिंग, तो ये मेरा इनेबल्ड है, आप लोगों को भी इनेबल करना है। जैसे आप इनेबल कर लेंगे, आपको फ़ोन को अपने USB और अपने C पोर्ट, जो मतलब आपका USB टू माइक्रो या फिर C टाइप केबल है आपकी, जैसे भी है, कनेक्ट कर देना फ़ोन और डेस्कटॉप। तो जैसे ही आप फ़ोन और डेस्कटॉप को इनेबल करेंगे ना, तो आपको बोलेगा अलाउ डीबगिंग मोड। अभी देखो इसमें नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे डिसकनेक्ट करते ही वो ऑप्शन हट जाएगा, और वो ऑप्शन तब आएगा जब मैं अलाउ करूँगा, तो इसलिए मैं हटा के नहीं दिखा सकता। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको डीबगिंग आपको अलाउ करना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे, पहले आपको जाना है यहाँ से, क्लियर कर दूँगी ये सेटिंग यार और कैंसिल कर दूँ। अभी आपको क्या करना है, सिंपली फिर से जाना है यहाँ पर SC कनेक्ट करने के बाद फ़ोन को, और इसको रन करना है। अब ये रन करूँगा, मेरा देखो डिबगिंग ऑलरेडी अलाउड है तो ये खुल गया। मेरे डिवाइस का साइज 1080x2336, मतलब जो लंबाई है इसकी अभी फ़िलहाल 2336 और जो चौड़ाई है वो है 1080। लेकिन आपके फ़ोन में अलाउ डिबगिंग का आएगा, अगर आप उसको इनेबल नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इनेबल हो गया। अब गाइस मैं चलता हूँ यहाँ पे बैक, और इसको मैं माउस से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा गेम स्पेस है और पबजी मोबाइल खोल लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं पबजी मोबाइल खोलूँगा, ये अपने आप ही हो जाता है इस तरह से फुल फ्लैट ताकि दिक्कत ना हो, और ये खुल गया अब आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इसको आपको ऐड करना सिखाऊंगा कि आप इसको
इसको कैसे आप अपने स्ट्रीम लैब OBS में ऐड कर सकते हैं। गाइस मैं वॉइस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसके लिए भाई ऑक्स केबल चाहिए, मतलब बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, 3-4 चीज़ें चाहिए आपको। मैंने सिर्फ मिररिंग के बारे में बात की कि कैसे मिरर कर सकते हैं कोई भी चीज़। अब हमें चलना है स्ट्रीम लैब OBS में। अब देखो यहाँ पर स्ट्रीम लैब OBS मेरा ऑलरेडी ऑन है। और देखिए बहुत से लोग आप कहते होंगे कि जैसे आप स्ट्रीम लैब OBS में आएंगे कि टेम्पलेट आप खुद भी बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करो, फिर कहेंगे आप गेम कैप्चर पे क्लिक करो। गाइस मैंने 50 लाख बार ट्राई किया, गेम कैप्चर काम नहीं कर रहा है। अब रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन गेम कैप्चर से आप नहीं कर सकते, आपको सिंपली विंडो कैप्चर करना पड़ेगा। अब जैसे आप विंडो कैप्चर पे क्लिक करोगे, आप विंडो कैप्चर पे जाके ऐड सोर्स करोगे। कई बार यहाँ पे भी एरर होता है, ऐड सोर्स करता हूँ तो वो चीज़ दिखाई नहीं देगी जो मुझे चाहिए। अब देखो यहाँ पे अभी तो दिख गया, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ क्लिक, और जैसे ये क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे आ गया। डन कर दीजिए और इसको अपने हिसाब से यहाँ से ड्रॉ करिए ताकि ये आपका प्रॉपरली सेट हो जाए। अब मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ, पहले तो इसको नीचे करो, ठीक है, इसको नीचे करो। अब मैं यहाँ तक कर दिया, आपको पता है ऊपर वाली जो स्क्रीन है वो ब्लैंक आ रही है, तो मुझे क्या करना है, इसको स्क्रॉल करते हुए वहाँ तक जाना है जहाँ तक इसकी विंडो खुद की है। ये तो जहाँ तक इसकी विंडो है वहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अब देखो यहाँ तक ठीक है, अब इतना मेरे पास स्पेस बचा हुआ है, तो इतने में मैं अपने गेम से अपने मतलब चैनल या फिर जो भी स्ट्रीम करते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ये अलग लगाया है, ये मेरा लोगो हो गया, ये मेरा डोनेशन के लिए हो गया, और भी अगर थोड़ा सा आप इसको ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं यहाँ से सेंटर से, तो ये यहाँ पर टच भी हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरा तो आना ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ आपका गेम प्ले दिखना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा साइड बार कट जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है इससे, और ये इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सब्सक्राइब लगाना है, जो भी लगाना है लगा सकते हैं। तो गाइज़ इस तरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्क्रीन और चला सकते हैं अपने फ़ोन से सीधा डेस्कटॉप में, और इसे स्ट्रीम भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बुरी लगी हो तो डिसलाइक करिए, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नई अपने सब्सक्राइब किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।